पेपर लीक हुआ था उस समय क्या कार्रवाई की? जो पहला पेपर लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पहली परीक्षाएं हुई हैं वो लीक हुई, जब आपने जांच किसको दी? आपने कार्रवाई क्या की? क्या लीक होने पर पेपर एक ही एजेंसी को जांच क्यों जाती है? अब इस एजेंसी की कौन जांच करेगा? नहीं, मैं तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं किसी एजेंसी को दिए गए होंगे, जिसको भी दिए गए हैं क्या उस एजेंसी की भी जांच होगी क्या? सरकार पे हटा तो जांच कर देंगे आपकी भी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा मेरा सवाल यह है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहली कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही जांच के लिए, ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है ना। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है, इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोचिए समझिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। सर बता